हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं हैलीफैक्स डाउनटाउन का कनाडा डे। कनाडा डे जो कि हर फर्स्ट जुलाई को आता है, तो 1 जुलाई 2023 जिसमें हम हैं कनाडा में, तो हम करेंगे आप कनाडा डे सेलिब्रेशन। चलो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। ये डाउनटाउन का स्प्रिंग रोड है। ये स्प्रिंग रोड में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, मैकडी है, डोमिनोज है, और ये आपका मतलब जितने भी मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स इंडिया के तो दो तीन ही हैं, बाकी जो थाई फूड, चाइनीज़ फूड, ये सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको स्प्रिंग रोड पे। और स्टारबक्स भी है यहाँ पे, टिम हॉर्टन भी है, ये सब एक लाइन में ही है। मैकडोनल्ड, टिम हॉर्टन, स्टारबक्स एक ही रोड पे। इंडियन के दो रेस्टोरेंट है, अड्डा, और एक बेसमेंट में है टेम्पटेशन के नाम से है, बियॉन्ड टेम्पटेशन, और एक पोटकी है, एक मिर्ची तंदूर है, एक रासा है। ये सारे इंडियन रेस्टोरेंट है जो डाउनटाउन में आपको मिलते हैं। चलो अब आपको लेके चलते हैं। ये चर्च है यहाँ की, बहुत फेमस, और बहुत कहते हैं 19 की चर्च है ये। और ये देखो पुराने ही घर है इसके सामने, पुराने ही रेस्टोरेंट है, वो पोटकी इंडियन है। और उसके सामने अपोजिट साइड में जो है ये अपना स्पेशियन पिज़्ज़ा है, जो 3 से 4-5 बजे तक आप कभी भी आके यहाँ पे पिज़्ज़ा के स्लाइस या पिज़्ज़ा अपना ले सकते हो। तो ये विंटेज मार्केट भी बोल सकते हो। तो अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पे कनाडा का फ्लैग है, जहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में हम 26 जनवरी में इंडिया गेट में फ्लैग झुलाते हैं, तो यहाँ पे हैलीफैक्स में ये वाला वो टाउन है जहाँ पे फ्लैग झुलाया जाता है। तो वो देखो, वो क्लॉक लगी हुई है जिसे घंटाघर भी बोल सकते हो आप इंडिया के हिसाब से, क्लॉक हाउस, घंटाघर। जाने को हम ऊपर भी जा सकते हैं, पर थोड़ा विजिबिलिटी कम है तो मैं इसलिए कैंसिल ही किया ऊपर जाने को। ये देखो ये क्लॉक हाउस, इसमें टाइम वाइम पूरे मतलब सिटी का ये घंटाघर बोल सकते हो आप इसे, तो बहुत ही बढ़िया है। तो काफ़ी यहाँ पे क्राउड भी बहुत अच्छा है। चलो अब आपको दिखाते हैं क्राउड कनाडा का। अभी आपको दिन का ओवरव्यू कराते हैं। वो देखो लोग काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे, पिक्चर्स खींचते हैं, स्नैप्स खींचते हैं, इंजॉय करते हैं, डांस करते हैं लोग। और ये देखो क्राउड, कितना क्राउड है आप देख ही सकते हो रोड पे 1 मिनट की। अब हमें इस रोड, कभी कनाडा में जाम की, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, पर आज हमें कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट हो गए इसी ट्रैफिक को कवर करने के लिए सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि पैडीज जो ये होते हैं पैदल चलने वाले पैरपथ, यहाँ पे आप गाड़ी जब तक ये क्रॉस कर रहे हैं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। ये देखो सब कितनी पुरानी आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, इसके दरवाजे भी टूटे हुए हैं। इसको कोशिश करेंगे अगर पूरे दिन में कहीं कैप्चर हो, पर अगर मिल गई अगर हमें दोबारा, तो पूरे ढंग से इनको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये देखो डाउनटाउन का घंटाघर, ये फ्लैग, यहाँ पे फ्लैग चढ़ाया गया है। गाड़ियाँ ऊपर भी जाती है, वो देखो सबसे टॉप पे गाड़ियाँ दिख रही होगी, कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप जाओ। ये देखो विंटेज ट्रक, कितना चाचा ने कितना मेंटेन करके रखा हुआ है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो जो अपने गाड़ियाँ इतनी मेंटेन करते हैं करके रखते हैं, तो वो अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन रखते होंगे। तो इसलिए ये फुल एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ के साथ। आगे अब थोड़ा सा इवनिंग का टाइम हो गया है, जैसे कि 5 बजे हमने घंटाघर दिखाया था कि हम 5 गए थे, अब 6-7 बजे का टाइम हो गया। तो आपको क्राउड दिखाते हैं, क्राउड तो पूरे दिन से ही ऐसा है यहाँ पे, फुल लोग मस्तियाँ करने आए हैं, और वो डीजे चल रहा है, बीच में कभी कभी पंजाबी सॉन्ग भी लग जाता है, पर हमने मिस कर दिया। पर हमारे जो यार दोस्त आए थे वो कह रहे भाई पंजाबी सॉन्ग भी चल रहे हैं वहाँ पर, इसी चक्कर में हम भी आए भागे भागे, पर नहीं चल रहे अभी। ये देखो पूरे जोरों शोरों से नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये है लाइफ, ये है कनाडा की लाइफ, जिसको देखने के लिए लोगों ने 20-25 लाख रुपए के खर्च कर रखा है यहाँ पे आके देखने के लिए, घूमने के लिए, स्टडी कर रहे हैं और इनके साथ इंजॉय करते हैं, मस्तियाँ करते हैं। तो कोई इनको टेंशन नहीं होती कि हमें भैया मतलब ये डिप्रेशन में नहीं होते हैं। हाँ डिमेंशिया बहुत है यहाँ पे, फैमिली के डिमेंशिया बहुत पेशेंट है, पर ये मस्ती करने में कहीं कमी नहीं छोड़ते, फुल अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारते हैं 5-6 दिन काम करके, और वीकली 2 दिन जो इनको मिलते हैं उसमें खाना पीना उड़ाना और गाना, यही काम होते हैं इनके। ये देखो कितना क्राउड है, ये देखो आंटी जी क्या मस्त नाच रही है, और अकेले में ही नाच रही है क्योंकि वहाँ पर इनको ये लग रहा है ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, तो इसलिए अकेले में नाच के दिखा रही है जनता को कि भैया मैं सबसे बड़ी डांसर हूँ यहाँ पे। पर इनके साथ ही अब हम आपको दिखाते हैं स्टेज डांस,
स्टेज डांस पे लेके चलते हैं। उन स्टेज पे भी डांस हो रहा है, दो तीन गर्ल्स डांस कर रही है। ये देखो ये है स्टेज डांस, ये बैली डांस हो रहा है इनका। ये सारा कनेडियन डांस है, इंग्लिश डांस, तो जिनको समझ में आएगा वो स्टेप सीख लेना, और जिनको नहीं समझ में आएगा वो अपना देसी भंगड़ा या देसी अपना इंडियन डांस कर सकते हैं इनके साथ। ये देखो बस कुछ नहीं करना, चीयर्स गर्ल की तरह यूँ यूँ पहराना फिलाना है और ऐसे मटकाना है अपनी कमर को। तो ये है इंग्लिश डांस, इंग्लिश डांस सीखो, क्लासेस लो इनसे और कोशिश करो कि इनसे भी अच्छा करके दिखाओ, क्योंकि कुछ नहीं है, बस ये झंडे ये फहराने हैं जो इन्होंने हाथों में पैर पकड़े हुए हैं, तो मेरे को नहीं लगता बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये देखो गर्दन ऐसे ऐसे हिलानी है, पूरा झूमना है बिल्कुल, मतलब डांस में कमी ना हो कोई भी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे, मेरे को नहीं लगता अगर आप यहाँ पे डांस भंगड़ा करने लगोगे तो सारे आपको ही देखेंगे, क्योंकि भंगड़ा और जो इंडिया का डांस है उसकी क्वालिटी अलग है। ये देखो इनको सिखाना पड़ेगा हमें, अभी आ रहे हैं इंडियन, बहुत सिखाई देंगे धीरे धीरे। ये क्या बढ़िया मस्त सी बोट है यहाँ पर खड़ी हुई, ये देखो बंदा, ये तो मेरे को लग रहा है कहीं दूर से, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पर घूमा फिरा हूँ, यहाँ पर मुझे पहली बार दिखी है बोट। चलो भाई अब चलते हैं आगे थोड़ी सी, ये बोट भी बहुत बढ़िया है, और टीवी भी लगा हुआ है बोट के अंदर, फुल पार्टियां चल रही हैं, पूरी टीम्स इनकी फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, जैसे अब ये कहीं और रहता होगा तो अपनी बोट लेके आ गया यहाँ पे, कोई टिकट नहीं होती, कोई कुछ नहीं, अपनी बोट हो आदमी की बड़ी सी, अपना आके एंजॉय कर सकता है। मैडम कुछ समझाना चाहती है, सुनते हैं इनकी बात। चलो भाई समझ तो आ ही गया होगा, कोई मिसिंग गर्ल्स वगैरह जो बहुत कनाडा में कहते हैं मिसिंग होती हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया हमें, इमोशनल सॉन्ग गाएंगे वो। चलो अब हम आगे की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत है हमारे पास, पर वीडियो में कैप्चर करने के लिए बहुत कम है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर अपलोडिंग में, और क्वालिटी में भी दिक्कत आती है, तो इसलिए हम हर चीज़ को कैप्चर करने की सोचेंगे। ये आफ्टरनून से ही लगे हुए हैं सॉन्ग गाने, ऐसे ही और ऐसे भीड़ के आस पास लगी हुई है, कुछ तो बेचारे रो भी रहे हैं, बोले यहाँ पे जो समझ रहे हैं उनकी बातें, इमोशंस उनके काफ़ी होते हैं, इमोशंस में अगर इनको कोई इमोशनल कर दे तो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं लोग। चलो अब आप थोड़े चलते हैं दूसरी बोट की तरफ, ये बोट है बहुत बढ़िया, देखो कितनी बड़ी बोट है ये तो पूरा ऐसे ही लग रहा है शिप रखा हुआ बंदे ने, शिप टाइप की बोट है ये, लोग बैठे हुए हैं शिप के पास शांत, ये देखो बीच की तरह बैठे हुए हैं लोग, चेयर्स लगा रखी है शिप की तरह, उधर अपना समुंदर की तरफ, ये पूरा समुंदर तट है, बहुत बड़ा ओशियन है ये। आगे पोर्ट भी है यहाँ पर पोर्ट पर तो नहीं हम जाएंगे, क्योंकि पोर्ट पर थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह इसका भी इशू होता है, ये आर्मी का शिप खड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ दोस्तों आज एक चीज़ और बतानी थी आपको, यहाँ पे आज एयरक्राफ्ट शो होता है, बट ये फॉग बहुत है आज यहाँ पे, फॉग की वजह से एयरक्राफ्ट शो कैंसिल हो गया है यहाँ पे, पर मैंने सुना है 3 तारीख को शायद वो पोस्टपोन करके 3 तारीख को किया गया, तो एयरक्राफ्ट जो शो है बहुत ज़बरदस्त शो होता है यहाँ पर, और मंडे को, क्योंकि यहाँ पर जब तक वेदर क्लियर नहीं होगा तब तक वो एयरक्राफ्ट शो नहीं होगा, तो मंडे को अनाउंस हुआ है वो, मतलब 3 तारीख, आज 1 तारीख है तो कल संडे या फिर मंडे को, पेरनिक्स कोव जगह पड़ती है कोई, वहाँ पे कह रहे हैं एयरक्राफ्ट शो होगा, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मंडे को ज़रूर दिखाएंगे आपको, कैप्चर करेंगे उसको। चलो दोस्तों ये देखो लोग कैसे अपनी अपनी फैमिलियों के साथ घूम रहे हैं, ये देखो पहलवान जी आपको दिखाए हैं अभी, ये कई बार मिलेंगे हमें रास्ते में, अभी तो हमने एक ही बार दिखाए हैं, ये पहलवान जी है देखो अपनी ये बैलगाड़ी में बिठा के 3-4 लोगों को, सलूट है यार इनको, ठीक है अर्न भी कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अपनी सेहत मेंटेन रखने के लिए पैसा भी कमाओ और जो जिम में आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक्सरसाइज यहाँ पे करो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, अप्रिशिएट, क्योंकि यहाँ पे अपने हेल्थ के लिए सारे लोग काफ़ी वो करते हैं, मतलब वॉकिंग करेंगे जिम जाएंगे, ठीक है, तो हेल्थ केयर के लिए ये गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, जिम्स बहुत सस्ते हैं, ये देखिए कितने पहलवान हैं, इनकी हेल्थ से आपको पता चल रहा होगा, तो इनका डबल काम हो रहा है, पैसा का पैसा कमा रहे हैं और अपना शरीर को मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है,
अब आपको लेके चलते हैं थोड़ी सी आगे जहाँ पे क्लब्स वगैरह भी आएंगे। तो अभी अब हम आ गए हैं, ये एक प्राइवेट पार्टी हो रही है, तो यहाँ पे अंदर तो नहीं हम जा पा रहे क्योंकि यहाँ पे एक टिकट वगैरह है कुछ मेरे ख्याल से $15-20 की होगी, क्योंकि ये इंग्लिश गाने गा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट नहीं था कि हम क्योंकि हमारी फरमाइश पे भी पंजाबी गाने नहीं चल पाएंगे, अदरवाइज़ हम भी टिकट लेके अंदर जाते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा कैप्चर करके सुनाते हैं कि क्या गाना चाहते हैं। हैप्पी कनाडा डे बोलेंगे, वाओ हैप्पी कनाडा डे यू टू। अब देखते हैं, आपको सुनाते हैं इनके सॉन्ग्स। अब आपके पास, अब आपको ये दिखाते हैं मार्केट। अब हम आ गए हैं क्लब रोड पे, तो 9-10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास क्लबों में हलचल हो रही है स्टार्ट। तो ये देखो क्लब भर चुके हैं, ऑलमोस्ट अच्छा क्राउड है आज क्लबों में। यदा पिट आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, वो फ्राइडे का था, आज सैटरडे नाइट है। तो सैटरडे नाइट को तो यूजली इतना ही क्राउड होता है, बट कहते हैं कि आज कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट डे है कि मैं इस जो ये स्ट्रीट है क्लब रोड, इसमें पहले दिन घूम रहा हूँ, तो यूजली क्राउड तो होता ही है यहाँ पे, बट आज कुछ ज़्यादा ही है। अब आपको लेके चलते हैं थोड़ी सी आगे। क्लब्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो इस रोड पे भी है, ये देखो एक दूसरा उन्हीं का पार्टनर, ये देखो कैसे फ्लाइंग कर रहा है। तो मस्ती पूरी लेते हैं, इन्जॉय पूरा करते हैं, पर ये देखो, ओ माय गॉड, ये है इनका हार्ड वर्क, जिनसे ये पैसा कमाते हैं और अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं। शरीर को मेंटेन रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये, तीन तीन चार चार आदमियों को करो, बैठाओ पीछे बैलगाड़ी में अपनी, और ये देखो क्या एंजॉय कर रहे हैं लाइफ का, मस्ती भी है, पैसा भी कमा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो डांस, प्राइवेट शो चल रहा है। ये मेरा दोस्त सिद्धू मूसेवाला, बोला मैंने इसे, और इसने कहा या वाह क्या बात है, फुल मस्ती करते हैं। कोई इनको ये नहीं है कि अभी हमारे इंडियन थोड़ा एटीट्यूड में रहेंगे, ये एटीट्यूड में नहीं है, तो कहते हैं आओ मिलो मुझसे, गुलो मिलो, मस्ती करो, एंजॉय हम भी कर रहे हैं तुम भी करो। ये देखो इन्होंने काफ़ी रनिंग करी है, अपने जीवन के पूरे स्टेप्स लिखे हैं इन्होंने, कितने बाईसाइकिल पर किए हैं, कितने बाइक पर किए हैं, दिखाएंगे इनका भी आपको सिस्टम। वही पिट है, ये रोड्स हैं यहाँ की, क्लब्स रोड्स नाइट। खाने पीने के लिए यहाँ पे सारा नॉन वेज ही है मैक्सिमम, मान लो 80-90% आप नॉन वेज के ही अगर शौकीन हो तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं, बट अगर आप थोड़े वेजिटेरियन हो तो सामने मिर्ची तंदूर है, वहाँ पे भी लाइन ही लगती है भाई ऐसे जैसे यहाँ लाइन लगी हुई है, क्योंकि एक रेस्टोरेंट है इंडिया का और उस पर भीड़ इतनी है, टेस्ट अच्छा है तभी भीड़ होती है, तो मिर्ची तंदूर बहुत फेमस है यहाँ पर। और बाकी एक पोटकी भी है वो कॉर्नर पे, उसमें भी है इंडियन फूड। तो स्ट्रीट फूड तो बहुत कम होते हैं यहाँ पर मतलब नॉन वेज वगैरह वालों के लिए फिर भी अरेंज हो जाता है, जैसे उनको पिज़्ज़ा स्लाइस मिल गया $7 का $8 का तो उनके लिए इनफ है वो, ठीक है। बट हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें पिज़्ज़े बर्गर भी चलो हम खाते ही हैं, बट वो इंडिया वाला टेस्ट नहीं है। वैसे कॉर्नर पर एक पिज़्ज़ा है तो वहाँ पर अच्छा कहते हैं कि इंडिया का टेस्ट ही है, वैसे हमने भी खाया एक दो बार, ठीक है 70-60% हम बोल सकते हैं इंडिया की तरह है, बट प्रॉपर 100% इंडियन पिज़्ज़ा नहीं है। ये शादी हुई है इनकी भाई, शादी लेके सीधा क्लब में ही लेके आ गया भाई बंदा, दिलेर है ये, वो वाइट ड्रेस वाली मेरे ख्याल से ग्रूम है और लड़का भी हमें पहचान में नहीं आ रहा कि कहाँ पर लड़का, पर बहुत हंगामा करा जब ये पार्टी में घुसे, पर हम मिस कर गए वो वाला मोमेंट, हमें कैप्चर करना था। ये देखो पहलवान जी, हमने दिखाए थे जो आपको पहले भी, हम दोबारा दिखा रहे हैं इनको, देखो कितना तगड़ा शरीर है इनका, बहुत बढ़िया बॉडी है बंदे की, मेंटेन्ड। ये है शायद वो